जाओ वापस पीछे वाले पेज चलते हैं और यहाँ पर आके तुम लोगों को परेशान करते हैं। पहला पॉइंट देखोगे, याद रखना अब जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी यहाँ से आती है, जो भयंकर तरीके से परेशान करती है और इस चैप्टर का सबसे क्या बोले मतलब यही है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर है। क्या है पहला पॉइंट? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये बातें बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ भाई, ध्यान से सुनना, बिजनेस का नेचर, नेचर के हिसाब से बिजनेस को ना तीन तरह से रखा गया। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग और तीसरा सर्विस सेक्टर। ये बताओ, हाँ भाई, पहला पॉइंट वर्किंग कैपिटल और दूसरा क्या? फिक्स्ड कैपिटल। दोनों की बात कर लेते हो, साथ साथ ही हो जाएगा। हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल सबसे ज्यादा कहाँ लगनी है? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल ज्यादा कहाँ लगनी है, कम कहाँ लगनी है? क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो हमें रॉ मटेरियल यूज नहीं पड़ती है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा, सर्विस में कम, ट्रेडिंग में भी कम। कंपेयर देखेंगे किससे कंपेयर है ना, ट्रेडिंग का कंपेयर अगर मैन्युफैक्चरिंग में से है तो ट्रेडिंग में कम, सर्विस से है तो सर्विस में कम। क्लियर है ये? दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था हमारा, कौन सा पॉइंट था बेटा ये हमारा, ये तो अंडरलाइन कर लेना। सर्विस सेक्टर में अंडरलाइन करना लेस वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग के अंदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लार्ज अमाउंट। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अंडरलाइन करना, ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, है ना, इतना ये मेन चीज है। लेकिन रीजन क्या है? रीजन अबे देखो, पहला सर्विस सेक्टर में क्यों जरूरत पड़ती है कम की? क्योंकि इट डू नॉट हैव नीड ऑफ मेंटेन इन्वेंटरी, मेंटेन करने की जरूरत उसको नहीं है। ट्रेडिंग में आ जाओ, नो प्रोसेसिंग, क्या मशीन चलनी है? नहीं। क्या मशीन लगनी है? नहीं। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? जितने दुकानदार बैठे हुए तो दुकानदारों के पास फिक्स्ड एसेट्स के नाम पर क्या होता है? एक एसी, एक पंखा, एक टेबल चेयर। लेकिन फैक्ट्री में क्या होता है? पूरा सिस्टम होता है, मशीन होती है। तो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स। इन शॉपकीपर्स के लिए रॉ मटेरियल तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी ये फिनिश गुड्स खरीदते हैं और फिनिश गुड्स ही आगे बेच देते हैं। एंड सेल्स कैन बी अफेक्टेड इमीडिएटली अपॉन द रिसीप्ट ऑफ, जैसी सेल होती है पैसा आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में देखो, रॉ मटेरियल नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मशीनें और इन सब चीजों में हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। इवन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हमें ज्यादा होती है। दूसरी बात है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब वापस आता हूं मैं इधर, अब मैं बोल रहा हूं क्या स्केल। बिजनेस दो तरह का होता है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। वापस दो चीजें कहता हूं, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। हाँ भाई बताओ भाई, वर्किंग कैपिटल लॉन्ग, जो लार्ज स्केल में बिजनेस हो रहा है वहां वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, छोटे स्केल में हो रहा है वहां पर कम होगी। जो लार्ज स्केल में हो रहा है उसका फिक्स्ड एसेट्स यानी फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी और वर्किंग कैपिटल सॉरी फिक्स्ड कैपिटल स्मॉल स्केल बिजनेस की क्या लगेगी? कम लगेगी। क्लियर है ना ये? ये हमने फिक्स वाला भी कवर कर रहे हैं साथ साथ, है ना। तो यहां पर अंडरलाइन कर लेना, लोअर स्केल लो, हायर स्केल जनरली हायर। ये अंडरलाइन जरूर करना, तो मेन यही है कि ज्यादा है कम है, पीछे के रीजन तो बना भी लेंगे बाद में। तीसरा बिजनेस साइकिल, जहां तक मुझे याद है शायद मैंने आप लोगों को ये वाली कहानी सुनाई होगी, कई बार सुनाई होगी, अप एंड डाउन इकोनॉमी के अंदर। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिफ्लेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डिप्रेशन या फिर डिफ्लेशन। इसका एक और नाम होता है बूम पीरियड, इसको एक और नाम से आता है प्रॉस्पेरिटी का पीरियड। ध्यान देना, ये वाला टाइम है जहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या यहां पर, मेरा क्वेश्चन है, क्या यहां पर फिक्स्ड एसेट्स की डिमांड और वर्किंग कैपिटल की डिमांड ज्यादा होगी? हाँ, यहां पर बिजनेस वैसे बर्बाद हो रहे हैं, जब बिजनेस वैसे बर्बाद हो रहे हैं तो यहां पर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की डिमांड कैसी होगी? कम। तो आ जाओ इधर आंसर में, डिप्रेशन अगर चल रहा है तो रिक्वायरमेंट विल बी लोअर, बूम चल रहा है तो
ये बूम में ज्यादा रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की भी और फिक्स्ड कैपिटल की भी, और डिप्रेशन में दोनों की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम। नेक्स्ट सीजनल फैक्टर। हाँ भाई, आम के सीजन में, आम के सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, पीक सीजन और लीन सीजन। अबे पीक सीजन में दोनों की रिक्वायरमेंट क्या, फिक्स्ड कैपिटल की भी और वर्किंग कैपिटल की भी, हाँ भाई, हायर और दूसरे में क्या, लोअर। लीन सीजन मतलब पीक सीजन नहीं है, सेलिंग नहीं हो रही, ऐसे में आदमी ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करेगा। आज प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है, वापस समझते हैं प्रोडक्शन साइकिल। पी हाउस और अपार्टमेंट। ये बताओ, आप गए चाय पीने के लिए, आपने उसको चाय का ऑर्डर किया, कितने मिनट में? 5 मिनट्स कर दू। हाँ भाई, मकान बनाने के लिए गए कि मुझे अपने लिए मकान बनवाना है, आई थिंक 6 महीने में तो बना दे देगा। अपार्टमेंट के लिए 5 ईयर्स। ध्यान सुनना, अकाउंट का ही पॉइंट है, यहां का ही पॉइंट है। चाय की ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल यहां पर सामने देखकर 5 मिनट, ठीक है। एक मकान की, हाउस की ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने, एक अपार्टमेंट की ऑपरेटिंग साइकिल। इस ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को लेने के बाद फिनिश गुड्स में कितने दिनों में कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटिंग, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन साइकिल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल, या फिर क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। अभी ये बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहां पर, उससे कम यहां पर, सबसे कम फिक्स्ड कैपिटल पर जाओ, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट यहां पर, इससे कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहां पर, सबसे कम फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहां पर। चाय वाले को क्या चाहिए, एक स्टोव, एक गैस और जो भी होता होगा, एक आदत जो भी होता होगा। अब एक क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग साइकिल या फिर प्रोडक्शन साइकिल। तो प्रोडक्शन साइकिल या तो शॉर्टर होगी या फिर, हाँ भाई, किसकी शॉर्टर साइकिल है, टी, और लॉन्गर साइकिल इसकी है, तो आजो भैया यहां पर, हाँ भाई, अंडरलाइन कर लेना, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल, यहां ऊपर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल और प्रोडक्शन साइकिल बोथ आर सेम। शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल लोअर रिक्वायरमेंट, लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल हायर रिक्वायरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, अब है 2 पॉइंट, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। ये रही हमारी कंपनी, ये रहे हमारे कस्टमर, जो क्यों पैदा हुए, कष्ट से मरने के लिए। आपने यह किया आपका अपने सप्लायर से, हाँ भाई, पूरी कहानी देखना क्या होने वाली कहानी। आपने अपने सप्लायर से गुड्स लिए, क्रेडिट उधार में ले रहे हो अगर सप्लायर से गुड्स, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम, क्या होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलता उधार नहीं दूंगा तो आपको उधार कहीं से लाना होता, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती, हाई। यानी कि अगर क्रेडिट अवेलेबल है, आपका सप्लायर आपको क्रेडिट अवेलेबल कर रहा है, उधार ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम। दूसरी तरफ आप अगर अपने कस्टमर को उधार दे रहे हो, क्रेडिट अलाउड, अलाउ कर रहे हो उसको क्रेडिट, तो अब आपके पास खुद सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, तो ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हाई। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अवेल्ड इसे कहते हैं क्रेडिट अलाउ, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। क्लियर है? तो आओ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट अलाउ या क्रेडिट अवेल्ड। वो अलाउ कर रहे हैं उससे हमें, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, जो तुम कह रही हो गलत नहीं है, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है? तो हमने क्या बोला, अगर क्रेडिट आपको अलाउ हो रहा है तो नो नीड ऑफ वर्किंग वेलकम चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा उधार दे रहे हो, नहीं सॉरी, अगर आप दुनिया को उधार दे रहे हो, तो आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी, हायर, ये रहा इंक्रीज, है ना, या फिर हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स आपके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरी तरफ
क्रेडिट अवेज का मतलब कौन देता है, सप्लायर? यहाँ ऊपर लिख भी लेना, यहाँ लिख लेना टू कस्टमर, थोड़ा इजी रहेगा समझना, यहाँ लिख लेना फ्रॉम सप्लायर, फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से क्रेडिट मिलता है और कस्टमर को क्रेडिट देते हैं। तो अगर क्रेडिट अवेल हमें खुद मिल रहा है तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम। और वाइस वर्सा, वर्सा करना सबको आता ही है, वैसे ही बाहर बहुत वर्षा हो ही रही है तो वाइस वर्सा सब करते रहना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हाँ भाई, व्हाट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मुझे वहां बताओ, कुछ मिला, कुछ मिला नहीं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है, मेरे पास वर्किंग मतलब मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, स्टॉक पड़ा हुआ था कंपनी के पास, कंपनी बड़ी इफेक्टिव तरीके से यूज कर रही है, मतलब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही है, तो उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। लेकिन कंपनी ऐसे ही बर्बाद करने में लगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसे वाले हैं हम, तो ज्यादा खर्चा करेंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा। तो हायर जो क्या बोल रहे हैं यहां पर, ये इसको अंडरलाइन करना जरा, हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको अंडरलाइन करना, और दूसरा अंडरलाइन करना डेटा टर्नओवर रेशियो। इन दोनों का मतलब क्या है समझते हैं, इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा, बहुत आ रहा है जा रहा है, बहुत आ रहा है जा रहा है, अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बात, इसका मतलब आप रॉ मटेरियल परचेस करते बिक जाता है, फिर परचेस करते फिर बिक जाता है, फिर परचेस करते फिर बिक जाता है, जितना ज्यादा हायर होगा उतना वेरी गुड। लेकिन साथ साथ डेटा टर्नओवर रेशियो भी, हाँ भाई डेटा टर्नओवर रेशियो हाई है तो अच्छा है, लो है तो अच्छा, डेटा टर्नओवर हाई है तो अच्छा है, लो है तो अच्छा, सुनो, डेटा टर्नओवर रेशियो अगर हाई हुआ इसका मतलब बहुत तेजी से सामान उधार बिक रहा है वापस आ रहा है, उधार बिक रहा है वापस, टर्नओवर का मतलब रिपीटेड होना, जितना रिपीट होगा उतना अच्छा। लेकिन डेटा टर्नओवर रेशियो कम है इसका मतलब बिकता कम है और वापस भी कम आता है, कम बिकता है वापस भी कम आता है, तो हमें क्या चाहिए, डेटा टर्नओवर रेशियो भी हाई होना चाहिए और हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कैसा होना चाहिए, हाई, इसका मतलब बहुत तेजी से सामान बिक रहा है, इसका मतलब हम एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। अबे तुम लोगों ने नोटिस किया होगा मार्केट में ये शोरूम वाले जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, ये लोग मतलब दो शोरूम वाले, एक शोरूम वाला 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री उठाता है, एक 1 करोड़ की इन्वेंट्री उठाता है, ये भी कमाता है 1 करोड़ पर 10% कितना हुआ, 10 लाख, ये कितना लगाता है 10 लाख का सामान हो, ये भी कमाता है 10 लाख, ये ऐसे कैसे हो गया। फिर सुनो, 1 महीने में ये गरीब शोरूम वाला था, ये अमीर शोरूम वाला था, दोनों के पास शोरूम था, अलग बात है। हाँ भाई, ये 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री खरीदता है हर महीने, ये हर महीने 1 करोड़ की इन्वेंट्री खरीदता है, 1 करोड़ पे कमाता है 10 लाख, ये 10 लाख पे कमाता है 10 लाख, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है, ये हर हफ्ते बेचता है फिर कमाता है, 10 बार बेच देता है, ये 1 करोड़ का सामान महीने में 1 बार बेचता है, ये 10 लाख का सामान 10 बार बेच रहा है, अगर ये 20 बार बेच देगा तो 20 लाख कमा जाएगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कम पैसे में ज्यादा कमाना है ना, तो क्या कैसे कमाना है, एफिशिएंट यूज, व्हाट इज एफिशिएंट यूज, कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड सेल करो, उससे क्या होगा, कम पैसे में आप ज्यादा यानी कम वर्किंग कैपिटल में आप ज्यादा अर्न कर पाओगे। जब बिजनेसमैन बनोगे ना तो वन चलेगा, गेमिंग बिजनेस का ही है, जो 1 करोड़ रुपए कमा के लगा के कमा रहा है वो कुछ नहीं कमा रहा है, कमाना किसे कहते हैं, 10 लाख लगा के 20 लाख कमा रहा है, और ऐसा होता है, कोई बात नहीं। ऐसी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ भाई अब हम किस बात पे आ रहे हैं, देखते जरा एक और ये पिक्चर बनेगी यहाँ पर, व्हाट इज एवरेज, जो मैं बना रहा हूँ कोई बना ले तो साथ साथ बनाते चलना, नहीं बनाया तो कोई दिक्कत, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत भूल जाओगे, नहीं अब क्या बना रहे हो गया गेम। हाँ भाई अब फिर से वापस आते हैं, ये रहा हमारा पंचकुला का सेक्टर 10, और यहां पर पता है बहुत सारी चाय की दुकानें हैं, इन चाय की दुकानों वालों को ऑप्शन दिया गया, हाँ भाई ध्यान देना, ये अगर चाय बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए इनको आई थिंक सेक्टर 10 में ही कहीं आसपास से दूध मिल जाता होगा, चाय पत्ती मिल जाती होगी, पानी तो खैर बह ही रहा है ना, चीनी मिल जाती होगी, यही कहीं मिल जाएगी, दूध मिलेगी, हुआ क्या, हम पहुंचे भाई एक चाय पिला दे, ये बताओ इसको रॉ मटेरियल कितना दूर से मिलेगा,
या तो इसका जो सप्लायर है या तो वो बैठा होगा दिल्ली या फिर वो सेक्टर 10 पे बैठा होगा, ये बैठा इधर। हाँ भाई ये बताओ कौन सप्लाई ज्यादा डिले करेगा? अगर उसको मैंने ऑर्डर किया भाई चाय पीनी है, वो क्या भाई साहब रुको, भाई साहब एक दिन लगेगा कल मिलेगी चाय, क्यों? दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। क्या बोलते हैं इसको? लीड। व्हाट इज लीड टाइम? सप्लायर से मेरे पास तक सामान पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड लीड टाइम। इसका लीड टाइम क्या है हाई? हाँ भाई इसका लीड टाइम क्या है? बहुत कम। अगर मुझे दिल्ली से चाय पत्ती और सब कुछ लेकर आना है तो मैं पहले से स्टोर करके रखूं या फिर ऑर्डर आने के बाद जाऊं? अगर मैं स्टोर कर रहा हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम? अच्छा जो यहीं पर बैठा हुआ है, कस्टमर आया, भाई साहब चाय पीनी है, मैंने भाई साहब 10 रुपए देना, पहले पैसे लिए गया सामान लेकर आया और चाय पिला दी, तो इसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? इसका मतलब हायर द लीड टाइम, जितना लीड टाइम ज्यादा होगा उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जितना लीड टाइम कम होगा उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम। तो आते हैं इधर, अब लीड टाइम, लार्जर द लीड टाइम, अब लार्जर द लीड टाइम लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अंडरलाइन कर लेना, लार्जर द लीड टाइम लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, और दूसरा लोअर द लीड टाइम, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा भाई, वाइस वर्सा, जिसे बालों में खुजली हो रही है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो लार्जर द लीड टाइम लार्जर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोअर द लीड टाइम। नेक्स्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ये बताओ, फिर से ध्यान देना इधर इस पॉइंट पर भी, मैं कर रहा था अपना काम, कंपनी अपना काम कर रही थी, कंपनी को एक ऑर्डर मिला, कंपनी 100 करोड़ की सेल करती थी, कंपनी के पास एक ऑफर आया कि भाई ये नया प्रोजेक्ट है और अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेते हो तो 100 करोड़ की सेल और हो जाएगी और टोटल कितनी हो जाएगी? 200 करोड़ की। मुझे बस एक बात बताओ कि अगर मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है, क्या मैं इसको इसको मैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बोल सकता हूँ क्या? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, हाँ है ना, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अच्छा अगर मैं ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ले रहा हूं तो क्या ये करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दोनों लगानी पड़ेंगी? ऑब्वियसली भाई, बिजनेस डबल हो रहा है तो फिक्स एसेट्स भी क्या होगी? डबल। वर्किंग कैपिटल भी क्या अच्छी होगी? डबल। तो मैं क्या कह रहा हूं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वर्किंग कैपिटल के लिए भी हो सकता है और फिक्स्ड कैपिटल के लिए भी हो सकता है। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हायर, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हायर। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या था हमारा? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट में भैया बहुत कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, तो अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर बैठे हैं तो क्या मुझे अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी क्रेडिट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उधार ज्यादा बांटना पड़ेगा? अगर उधार ज्यादा बांटूंगा तो हाँ भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और वाइस वर्सा तो तुम्हें पता ही है, बचपन से कुछ और आता ना आता हो तो आते ही। ऐसे लास्ट पॉइंट इन्फ्लेशन, हाँ भाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या? ये वाला बूम पीरियड है, हाँ यानी वो ऊपर पॉइंट वैसे आ भी चुका है, ये बूम वाला है ना, वो सेम चीज है। इन्फ्लेशन का मतलब बूम पीरियड, बूम पीरियड में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, किसकी? वर्किंग कैपिटल की भी और फिक्स्ड कैपिटल की भी। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि इस टाइम पर हमारी वर्किंग कैपिटल और दोनों कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट हायर हायर होती है।